एक्सरसाइज करें या योग, अगर आपके पास मानसिक शांति है तो आपके पास सब कुछ है। योग आपको आंतरिक शांति यानी मानसिक शांति पाने में पहले दिन से ही मदद करता है। हमारा शरीर हर समय रोज तनाव से गुजरता है, तो रोज थोड़ा सा समय हमें ध्यान और योग के लिए भी देना चाहिए। योग आपके शरीर की आध्यात्मिक सारवर करता है। यह आपके शरीर, आत्मा और प्रकृति के बीच जुड़ने का माध्यम है। अगर किसी को रात को नींद नहीं आ रही है या नींद संबंधित कोई बीमारी है तो वह योग से ठीक हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो शरीर को ज़्यादा तनाव में लाते हो। वैसे एक्सरसाइजिंग भी मांसपेशियों के लिए और वजन कम करने के लिए अच्छी है, जबकि योग जो है वह शरीर के और मन के और आत्मा के संपूर्ण ग्रोथ के लिए लाभदायक है। योग आपके शरीर में मांसपेशियों और जॉइंट्स के दर्द में राहत देता है। योग आपके शरीर को लचीला बनाकर युवानी के दिन लौटाता है। जब आप गुस्से में होते हो तो वह क्रोधावेश को कसरत करने से बाहर किया जा सकता है, पर आप तनाव में रहते हो, जबकि योग आपको दुनिया की हकीकत का सामना करने में मदद करता है। योग आपको क्रोध के सामने शांति, धैर्य और स्वीकार करने की कला सिखाता है। अगर आप अपने जीवन की शैली को बेहतर बनाना चाहते हो तो योग को अपने जीवन में नियमित करिए। योग आपके पाचन तंत्र की क्षमता को सुधारता है, बढ़ाता है। ये आपको सिर दर्द, कमर दर्द से मुक्ति दिलाता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, या फिर किसी को मानसिक बीमारी हो जैसे कि कोई डिप्रेशन से पीड़ित हो, उसे भी उस दर्द से मुक्ति देता है योग। योग आपके जीवन में प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और आपको ताजगी की अनुभूति कराता है। मानो ये आपको नवजीवन ही देता है। योग से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ ही रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। एक्सरसाइज का प्राथमिक लक्ष्य है कि एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करके मसल्स बिल्डअप करना, जिससे आपका शरीर थक जाता है, जबकि योग से आपके अंदर ऊर्जा का स्तर और ऊपर बढ़ता है। योग से आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जबकि एक्सरसाइज से मसल्स सख्त कड़क बनते हैं। एक्सरसाइज के समय मसल्स इंजरी का रिस्क भी होता है। हद से ज़्यादा प्रेशर दबाव से एक्सरसाइज करने से हृदय पे प्रेशर बढ़ सकता है, जबकि उसके विपरीत योगा में कोई रिस्क नहीं है, केवल आपको वापिस जवान होने का खतरा है। जो लोग घबराते हैं या जिसको श्वास लेने में तकलीफ होती है, उनको भी योग से राहत होती है। योग से आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। एक्सरसाइज से भी ये हो सकता है, पर आपको नियमित करनी पड़ती है। एक्सरसाइज स्टॉप करने पर आपने जो पाया था वो धीमे धीमे धीरे धीरे खोने लगता है, जबकि योग आत्मा से जुड़ा है। ये आपके व्यक्तित्व का भाग बन जाता है। जब आप योग से ब्रेक लेते हो तब भी, फिर जब आप फिर से योग की शुरुआत करोगे तो वही लेवल से आप ऊपर उठोगे। योग करने के लिए कोई वय मर्यादा नहीं है, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। थोड़े से दिव्यांग लोग भी योग मार्ग पर चल सकते हैं, उन्हें भी कोई रिस्क लेवल नहीं है, केवल लाभ ही होगा। जबकि एक्सरसाइज की एक लिमिटेशन है, जो व्यक्ति शुरू से ही एक्सरसाइज करता है वह 80 साल की उम्र में भी कर सकता है, परंतु युवानी में नहीं करके वह बुढ़ापे में एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकता। एक्सरसाइज की तरह योग करने के लिए कोई साधन संपत्ति नहीं चाहिए, आपका शरीर और मन बस दो ही चाहिए। अगर आप केवल अपने शरीर पर काम करना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो, और अगर आपको आपके शरीर के साथ मन, आपका व्यक्तित्व, आपकी मानसिक शांति पे भी काम करना है तो योग पसंद कीजिए। आपके अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि आप हमारे वीडियोस से कुछ न कुछ तो नया सीखे होंगे। आपको कोई निश्चित विषय पे नया वीडियो चाहिए तो भी मुझे लिखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहे, योग करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।